हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन का जो कट ऑफ जाने वाली है उसके बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन से पहले और नॉर्मलाइजेशन के बाद दोनों हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ होने वाली है। चलिए देखते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पीसीएम वालों की, पीसीएम वालों की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो कट ऑफ देखने से पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं, एग्जाम्स किस शिफ्ट में कितना कितना इजी आया था, किसमें ज़्यादा हार्ड आया था। तो वहाँ पर कुछ शिफ्ट में समझिए कि एग्जाम्स आपका टफ आया हुआ था, कुछ शिफ्ट में एग्जाम्स पेपर जो था वो सिंपल था। तो इस तरह से मैक्सिमम लोगों ने पीसीएम, जितने भी पीसीएम वाले हैं उन लोगों ने 80 किया है कि 80+ क्वेश्चन किए हैं। और जो कि पीसीएम वाले और पीसीएम वाले में फिजिक्स केमिस्ट्री वाले होते हैं तो उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और जबकि सेकेंड पेपर इसका जो था उसमें भी इसी से रिलेटेड था, तो ये भी सेकेंड पेपर में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई होगी उन लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और सीट की बात करें जहाँ तक, तो सीट की बात टोटल पीसीएम के लिए, पीसीएम कैंडिडेट जितने भी हैं उन सभी के लिए, जितने भी जोन हैं उन सभी में 5200 से प्लस सीट है। और उस हिसाब से मैंने जो कट ऑफ बनाया है वो ये होने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए जनरल वालों की जितनी भी कट ऑफ जाएगी वो 65 से 70 जाएगी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये कट ऑफ 90+ भी जा सकती है। तो हाँ जा सकती है, लेकिन कब जा सकती है, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो आपका 7 से लेकर 7 नंबर या 5 नंबर से लेकर आपका 20 नंबर तक, 22 नंबर तक भी बढ़ने की संभावना रहेगी इसमें। तब जाकर आपका कहीं 80, 90, 85 ये सब कट ऑफ जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी मैं बिना नॉर्मलाइजेशन के यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर नॉर्मलाइजेशन करने की बात आएगी तो वहाँ पर आपका थोड़ा बहुत नंबर जो भी बढ़ना रहेगा वो 5, 10, 15, 20 नंबर, जिस हिसाब से पेपर टफ या सिंपल हो उस हिसाब से आपका कट ऑफ जा सकती है। और ओबीसी की बात करें यहाँ पर, तो ओबीसी के लिए आपकी 62 से 68 जो कि पीसीएम वालों के लिए है, और पीसीएम वाले में डायरेक्ट बीटेक वाले भी शामिल हो जाते हैं, कट ऑफ हाई होने की संभावना इसलिए ज़्यादा है। और एससी कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ जाएगी वो 49 से 55 के बीच में जाएगी। और इसके बाद देखते हैं एसटी कैटेगरी वालों के लिए, तो एसटी कैटेगरी जो है उनकी कट ऑफ जाने की संभावना है 45 से 50 जो कि पीसीएम वालों के लिए है। ठीक है, तो इसके बाद आईटीआई वाले की बात करते हैं जो कि टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल थे, जो कि कुछ लोग डिप्लोमा वाले भी टेक्नीशियन के लिए डाले हुए थे, आईटीआई वाले भी। तो आईटीआई वाले में मैक्सिमम बात यह है, बहुत लोगों का कहना है कि ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं और पार्ट बी भी बहुत ज़्यादा टफ था। तो इन लोगों को देखते हुए कुछ लोग, तो मैक्सिमम लोग, कुछ लोग नहीं मैक्सिमम लोग आपके पार्ट बी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें छट जाएंगे, तो जिसके कारण बहुत कम ही लोग पास हो पाएंगे जो कि पार्ट ए में जिनका अच्छा नंबर रहेगा और पार्ट बी में पास हो पाएंगे। तो ट्रेड वाला जो सब्जेक्ट है उसमें अगर पास हो जाएंगे तभी ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए कि इन लोग का बहुत ही कम गया हुआ है कट ऑफ जो कि जाने वाला है। ये जनरल का है 40 से 48 कट ऑफ जाएगी, और ओबीसी का जाएगी तो 35 से 44 के बीच में जाएगी, क्योंकि पार्ट ए का ये कट ऑफ देखा जा रहा है पार्ट ए में, क्योंकि पार्ट बी में तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए था। क्वालिफाइंग मार्क्स में बहुत ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग फेल होने की संभावना में है, क्योंकि बहुत लोग का सेकेंड पेपर सही से नहीं गया है। तो इसलिए, और जो पास होने वाले हैं फर्स्ट पेपर में भी, तो वो आईटीआई वालों में जिनकी नंबर इस प्रकार से होने वाली है, जनरल के लिए 40 से 48 और ओबीसी के लिए 35 से 44। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी और एसटी की 33 से 38 जाने की संभावना है, और एसटी की 30 से 35 जाने की संभावना है। तो ये नॉर्मलाइजेशन से पहले की इतनी संभावना है कि ये इतनी कट ऑफ जाएगी। और अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो वही आप 5, 10, 15, 20 नंबर तक आप बढ़ा सकते हैं, कि ये जनरल की कैटेगरी की अधिकतर आपका अधिकतम 60 नंबर तक जा सकती है, और ओबीसी के लिए 55 से 60, 65 तक जा सकती है, एससी वालों का 50, 55 जा सकती है, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ जाएगी।
इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की। असिस्टेंट लोको पायलट की सीटों की संख्या आप जान ही रहे हैं कि इतना सीट लोको पायलट के लिए निर्धारित किया गया है, और चूंकि साइको के लिए 8 गुना बुलाया जा रहा है, तो 8 गुना बुलाया जाएगा, तो मतलब कि 2,20,000 लगभग में 2,20,000 कैंडिडेट को साइको के लिए बुलाया जाएगा, और इतने कैंडिडेट पास होंगे, तो इस हिसाब से जो कट ऑफ इसकी बनेगी तो वो इस प्रकार है। मैंने यहाँ पर देखिए बताया है आपको कि जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 43 से 49 के बीच में जाएगी, जो कि इसमें आईटीआई वाले भी इसके लिए एलिजिबल थे, डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले, ये तीनों एलिजिबल थे, और इन तीनों के एलिजिबल होने के बाद ये जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो इस प्रकार है कि 43 से 49 नंबर आपके जनरल कैटेगरी की जाएगी, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये आपका सीधे नॉर्मलाइजेशन के बाद 60 से 65 चला जाए, 70 भी जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता। और ओबीसी वाले में भी उसी तरह से देखिए कि 40 से 45 ये कट ऑफ रहेगा, जबकि नॉर्मलाइजेशन इसका जब होगा तो उस समय इसका कट ऑफ भी 55-60 से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए एससी कैटेगरी की बात करें, तो एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 35 से 40 नंबर जाने की संभावना है, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 50 से ऊपर होने की संभावना है। और ये इस तरह से देखते हैं कि इसमें भी मैक्सिमम लोग का ये कहना था कि पेपर जो भी सेकंड पेपर आया था वो काफ़ी टफ आया हुआ था, पार्ट बी का जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग छट जाएंगे, और उसके बाद ही ये कट ऑफ बनाया गया है कि जिस हिसाब से आपके 2,20,000 कैंडिडेट साइको के लिए पहुंच पाए। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद एसटी वालों का जो कट ऑफ जाएगा वो एसटी का 33 से 38 जाने की संभावना है, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद देखा जाए तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद चला जाएगा आपका 45 से आसपास चला जाएगा, 45 से 55 के बीच में इसकी कट ऑफ रहेगी, जो कि एसटी की रहेगी। मैंने जितना कट ऑफ बताया है अगर उस कट ऑफ के अंदर आपका नंबर आता है तो आप बिल्कुल भी सेफ हैं, और चूंकि ये अनऑफिशियल कट ऑफ है और ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, तो इसलिए 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकती है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद ये नंबर बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाली है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।